हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC एक्सरसाइज 9.2 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें उदाहरण कर लिए थे हमने 12वें तक। ठीक है, 12th हमने एग्जांपल सॉल्व कर लिए थे 12 नंबर। अब है एग्जांपल नंबर 13। तो देखो, ये जितने भी एग्जांपल अब है ना, 13 में 4 पार्ट हैं। तो इनमें एक जो हमने इसमें कल परसों की वीडियो में जो आपको बताया था कि अगर कोई वैल्यू ऐसी आती है, यानी कि एक्स के साथ ए आता है, ठीक है, यानी कि जैसे कॉस ए एक्स, ठीक है, तो इसे कैसे इंटीग्रेशन करेंगे इसका। मैंने आपको बताया था कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे साइन, और ये होगा ए एक्स अपॉन में ए, यानी एक्स के साथ जिसका भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, उसको किस में कर देते हैं, डिवाइड में कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, है ना, तो वो वीडियो देख लेना अगर याद नहीं है तो। अब ये जितने भी एग्जांपल हैं वो इसी रूल से सॉल्व होंगे। इसके अलावा इसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आप लोगों को लर्न होना बहुत ज़रूरी है, हर जगह वो यूज पे आते हैं। यहाँ भी अपन क्वेश्चनों में ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो यूज़ में आने वाले हैं। तो 13 का क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, एग्जाम्पल 13 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेट करना है कॉस 3x कॉस 4x dx। ठीक है, तो देखो अपने पास कोई फॉर्मूला ऐसा तो है नहीं, कॉस ए कॉस बी है क्या, नहीं है। लेकिन अपने पास एक फॉर्मूला है 2cos A cos B। क्या फॉर्मूला है, 2cos A cos B। होता क्या है 2cos A cos B, ये होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है 2cos A cos B का, लेकिन अपने पास यहाँ 2 नहीं है। अगर नहीं है तो लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साथ में डिवाइड भी कर देंगे तो लग जाएगा। देखो i = 1/2 डिवाइड कर दिया है तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2cos 3x cos 4x dx। ठीक है, अब वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, cos A plus B 3x + 4x 7x प्लस cos A - B। ठीक है, तो देखो cos - x आएगा, क्या आएगा cos - x, लेकिन cos माइनस को पचा जाता है ना, ये मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही। cos जो होता है वो क्या कर देता है, खा जाता है x को, है ना, तो इसलिए हम यहां सीधा क्या लिख देंगे, cos x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अपन, 1/2 तो बाहर चल ही रहा है, cos 7x। देखो हमने यहां क्यों नहीं किया, आप बोलोगे कि सर इसको यहां क्यों नहीं किया, यहां ला के क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां ये मल्टीप्लाई में है और अपने पास अभी मल्टीप्लाई का रूल नहीं आया है कोई भी, इसीलिए हमने इसको फॉर्मूले में करके किस में बनाया है, प्लस में बनाया है, है ना। अब हम 7x का और cos x का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, सही है ना बात। यहां भी कर देते इंटीग्रेशन अगर ये प्लस या माइनस में होते तो, लेकिन ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई का रूल अभी अपने पास इंटीग्रेशन में नहीं है, तो 7x। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos x का होता है साइन, और यहां भी आ जाएगा sin x + c। ठीक है, तो 13 का जो फर्स्ट है वो ये आ चुका है, ये 1/2 बाहर चल ही रहा है, sin 7x / x + sin x + c। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, 2cos A cos B cos A + B + cos A - B।
ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लर्न होना जरूरी है। थर्टीन का सेकेंड साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसे भी फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, टू साइन स्क्वायर एक्स का अपने पास फॉर्मूला है ना, तो वही वन अपॉन टू से क्या किया डिवाइड और टू से दे दिया मल्टीप्लाई। चेंज कर देते हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है वन माइनस कॉस टू एक्स डीएक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को सीधा हम नहीं चेंज कर सकते भाई, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का भी अपने पास कोई है ही नहीं फॉर्मूला, इसलिए हमने इसे किस में चेंज कर दिया है। देखो अब आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर को एक्स को भी तो हम चेंज कर सकते थे वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, कर सकते थे किसको साइन स्क्वायर एक्स को, लेकिन आता क्या फिर से वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, ये स्क्वायर का ही तो झंझट है, समझ रहे हो, स्क्वायर का अपने पास कोई इलाज थोड़ी है, नहीं है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे इन सब को ही 2x, 3x, 4x कुछ ऐसा आए, इसीलिए हमने साइन को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस कॉस 2x में चेंज कर दिया। आ रही है ना, आनी चाहिए, तो ये आ चुका है 1 माइनस कॉस 2x dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1 अपॉन 2 तो यही है, तो देखो 1 को तो हम क्या लिखते हैं x लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं x, 1 का x ही होता है इंटीग्रेशन भाई, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। cos 2x यहां साइन है माइनस का, cos का साइन 2x, 2x अपॉन में 2 प्लस में c, तो आंसर आ चुका है 1 अपॉन 2x माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस में c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या किया है केवल वही 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड दिया है, ताकि हम 2 साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x dx की फॉर्म में लिख सकें, तो 1 अपॉन 2x माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस में c। थर्ड, कॉस क्यू एक्स डी एक्स, अब देखो यहां पेच ज्यादा फंस चुका है, क्या है कॉस क्यू एक्स, कॉस क्यू एक्स का अपने पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, क्या मुझे तो नहीं पता कि कोई भी कॉस क्यू का क्या हो फॉर्मूला हो, लेकिन कॉस जो है ना क्यू वो आता जरूर है। ठीक है, किस में आता है कॉस 3x में आता है, किस में आता है कॉस 3x में, देखो कॉस 3x का फॉर्मूला पता है आपको 11th में है, वो होता है क्या 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ठीक है, कॉस 3x का फॉर्मूला होता है 4 क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, याद है नहीं है तो अब याद कर लेना। ठीक है, कॉस 11th में आप लोगों ने पढ़ाई है, कॉस 3x होता है 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो कॉस क्यू एक्स है, आप कॉस 3x का फॉर्मूला क्यों बता रहे हो, क्योंकि देखो यहां पर है कॉस क्यू एक्स, ठीक है, इसको इधर और इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, देखो मैं इनका पक्षांतरण कर देता हूं, 4
कॉस क्यू एक्स, तो ये है जो इधर चला जाएगा। तो प्लस से किस में जाएगा, माइनस में, या फिर देखो इसको मैं इधर भेज देता हूं तो ये माइनस से प्लस में आ जाएगा, यानी कि साइन प्लस का आएगा कुल मिला के। कॉस थ्री एक्स प्लस में थ्री कॉस एक्स, ठीक है। लेकिन यहां पर फोर है, यहां पर फोर नहीं है, तो मैं इस फोर को उधर भेज देता हूं, तो मल्टीप्लाई से किस में जाएगा, डिवाइड में। तो वन अपॉन फोर कॉस थ्री एक्स प्लस में थ्री कॉस एक्स, किसका फॉर्मूला बन के आ गया है, कॉस क्यू एक्स का फॉर्मूला अपने पास बन के आ चुका है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद रखना कॉस थ्री एक्स का फॉर्मूला यूज किया है, फोर कॉस क्यू एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, इसको इसको ऐसा करो, इधर पश्चातांतरण कर दिया तो ये माइनस से प्लस में आ गया। अब इस फोर को भी इधर भेज दिया तो ये आ गया किस में, डिवाइड में। अब इसको यूज करेंगे हम, ठीक है, यहाँ इसको हम यहाँ यूज करेंगे और इजीली क्या हो जाएगा, क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। तो देखो वन अपॉन फोर तो मैं लिख लेता हूँ बाहर, कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स, चाहो तो अलग अलग लगा देना, इसको मैं अलग अलग भी लगा सकते हो, है ना, कि डी एक्स प्लस थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, कॉस एक्स डी एक्स, ठीक, कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला याद करना है, करना ही है ये, तो कोई इलाज नहीं है इसका, ना। वन अपॉन फोर कॉस थ्री एक्स साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस थ्री कॉस एक्स हो जाएगा साइन एक्स और प्लस में सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 13 का हो चुका है थर्ड पार्ट, वन अपॉन फोर साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस थ्री साइन एक्स प्लस में सी। ये जरूर साइड में लिख लेना, जब भी होमवर्क करते हो या कॉपी में लिखते हो ना फेयर में, तो जब भी क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उसे साइड में जरूर लिख लिया करो, क्योंकि जब बाद में क्वेश्चन देखते हैं ना तो पता नहीं चलता कि कहां से क्या किया है, तो अगर साइड में फॉर्मूला लिखा है तो हमें पता चल जाता है दोबारा देखने पर भी कि ये फॉर्मूला यूज़ किया गया है, तो फॉर्मूले जरूर लिख लिया करो, ठीक है। अब है इसका लास्ट, साइन 4x dx, तो साइन 4x का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम इसमें जुगाड़ फिर से कर सकते हैं। देखो साइन 4x है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर dx, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब साइन स्क्वायर एक्स को भी हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है क्योंकि कॉस स्क्वायर आ जाएगा फिर से, तो कॉस 2x ही बनाना है उसे, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस 2x, तो हम क्या कर लेते हैं, वही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से क्या किया, डिवाइड, चाहो तो इसी स्टेप में लिख सकते हो और चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में भी हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन 2 को तो बाहर ही लिख लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस 2x और उसका स्क्वायर dx, या फिर चाहो तो उसे हम यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, तो देखो स्क्वायर होता है तब हम उसे
स्क्वायर के अंदर ही करेंगे। देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब सब कुछ क्लियरली हो जाएगा, समझ में आएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इसका तो क्या है, 2 पे स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हम जब बाहर लेंगे ना तो 1 अपॉन 2 की जगह 1 अपॉन 4 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है। अब यहां इसके ऊपर ब्रैकेट ही रहने देते हैं, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। आई समझ में? ये 1 अपॉन 4 है क्योंकि ये स्क्वायर में है। अगर हम देखो यहां 2 से मल्टीप्लाई करते और यहां 2 से डिवाइड देते तो ये तो है ब्रैकेट में, ये है ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, इस पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ, तो मैच नहीं होता। इसीलिए हमने ब्रैकेट के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से किया है डिवाइड, ताकि इस 2 को बाहर लेंगे तो स्क्वायर लगा हुआ है तो ये 4 में आएगा, है ना, 1 अपॉन 4। अब यहां फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला तो आप सबको याद ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर स्क्वायर करेंगे जब ये हो जाएगा cos 4x माइनस 2ab, तो 2a और b तो है 1, तो 1 dx, ठीक है, ठीक है, क्या दिक्कत है? अब हम इनका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन 4, चाहो तो इनको अलग अलग करके लिख सकते हो, मैं अलग अलग करके नहीं लिख रहा हूं ना, सीधा कर देता हूं। 1 का है x प्लस cos 4x अपॉन में 4 माइनस 2 cos 2x अपॉन में 2 और प्लस में c, ठीक है। तो देखो ये 2 से 2 हो चुका है कैंसिल, ये है x, ये है 4। अब देखो इसमें एलसीएम लेंगे सब में, प्लस माइनस हो रहा है ना, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4, कितना आएगा 4। तो देखो ये हो जाएगा कितना, एलसीएम लेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई होगा किससे, एक्स से, किससे हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे, ठीक है, हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। देखो इंटीग्रेशन किया तो हमने कॉस को तो चेंज अभी किया ही नहीं है, तो ऐसे कैसे ही है, ठीक है। देखो ये हमने कॉस को चेंज नहीं किया, इसे दोबारा से करते हैं। देखो इसको हम चाहे ना तो एक अलग उससे और कर सकते हैं। देखो 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा cos स्क्वायर 2x, ये होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab, ठीक है। अब देखो यहां फिर से cos स्क्वायर 2x आया है, इसे हमें फिर से चेंज करना है। हम कैसे करेंगे, देखो 1 अपॉन 4, 1 प्लस, ठीक है, कॉस स्क्वायर 2x, तो इसे हम 2 कॉस स्क्वायर x में चेंज करेंगे, किसमें, 2 से तो मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और 2 से ही दिया है डिवाइड, क्यों, ताकि हम इसे फिर से चेंज कर सकें। और ये ऐसा कैसे ही चल रहा है, माइनस के 2 cos 2x dx, अभी हमने इसको इंटीग्रेट नहीं किया है। अब देखो हमें इसे चेंज करना है, 1 अपॉन 4, ये तो है 1 प्लस, देखो 2 cos स्क्वायर 2x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और माइनस के 2 cos 2x dx, ठीक है, 1 माइनस cos 2x तो पहले से ही है ना,
तो ये देखो जब था 2 cos स्क्वायर x, तो ये 1 माइनस cos 2x में टूटा था, जब यहां है 2x तो यहां क्या होगा 4x, क्या होगा 4x। आई बात समझ में? दोबारा देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 साइन स्क्वायर x को तोड़ दिया 1 माइनस cos 2x के होल स्क्वायर में, ठीक है। इसको 2 को जब स्क्वायर से हटा के बाहर लेंगे तो 1/4, इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये cos स्क्वायर 2x बन गया, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड दिया, इसको फिर से 1 माइनस cos 4x में तोड़ दिया, ठीक है। जब 1 माइनस cos 4x में तोड़ेंगे, अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। देखो साइन टूटता है माइनस में और cos टूटता है प्लस में, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर x तो क्या होता है 1 माइनस cos 2x, और 2 cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस में cos 2x, ठीक है। तो यहां 2x है तो यहां हो जाएगा 4x और यहां आएगा प्लस। आगे बात समझ में? ये फॉर्मूले जरूर क्लियर होने चाहिए, चाहो तो इन्हें साइड में लिख सकते हो, है ना, काफी बार यूज में हो चुके हैं ये इस क्वेश्चन में, तो इन्हें साइड में लिख लेना। अब इस ब्रैकेट को एलसीएम लेके सॉल्व करना है, 1 प्लस एलसीएम लेंगे तो यहां आ जाएगा 2 प्लस में cos 4x अपॉन में क्या है 2 है, ठीक है, इन दोनों के, उस 2 को मैं कहां भेज देता हूं, इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, और 1 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, 3 cos 4x माइनस 2 cos 2x dx। अब करेंगे हम इसका क्या, इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन, ठीक। 1 का होता है x, तो 3 का हो जाएगा 3x प्लस ये होगा साइन 4x अपॉन में 4, ये होगा माइनस 2 cos 2x अपॉन में 2 और प्लस में c, ठीक है। क्या है आंसर अपने पास, आंसर आया है 1/8 3x प्लस साइन 4x अपॉन में 4 माइनस 2 cos x को साइन x में लिखेंगे, साइन हमेशा cos का cos ही रह जाता है, 2 साइन x 2x अपॉन में 2, ठीक है। हो चुका है थर्ड 13 का पार्ट 4। तो देखो फिर से एक बार समझो इसको, क्वेश्चन है अपने पास साइन 4x, साइन की पावर 4x dx, इसे हमने लिखा है साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, इस 2 पे भी होल स्क्वायर है तो 1/4, 2 साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x में चेंज किया, इस स्क्वायर को स्क्वायर ही लगे रहने देंगे, 1/4 है, इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab। अब देखो यहां ये फिर स्क्वायर आ चुका है cos स्क्वायर 2x, इसे फिर से हम चेंज करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड दिया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 cos स्क्वायर 2x को 1 प्लस cos 4x में चेंज किया, ये है अपॉन 2, इसको ऐसे कैच। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब ये 2 कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है, तो मतलब 2 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3, और इस 2 को मैंने कहां भेज दिया, क्योंकि सब में एलसीएम लेने की जगह मैंने इस 2 का यहां मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, तो ये हो चुका है 8। अब 2 प्लस 1 3 cos 4x माइनस 2 cos 2x, अब यहां जाके इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 3 का आएगा 3x, cos 4x होगा sin 4x अपॉन में 4, और 2 cos 2x होगा 2 sin 2x अपॉन में 2, और लास्ट में आ जाएगा प्लस में c। ये इंटीग्रेशन साइन हटा देना, क्योंकि इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन होने के बाद इंटीग्रेशन साइन हम हटा देते हैं, तो एग्जाम्पल अपने हो चुके हैं कंप्लीट। अब जो एक्सरसाइज है उसके छोटे छोटे से क्वेश्चन है शुरू शुरू के, बहुत ही इजी इजी से करने का ट्राई करना, हो जाएंगे ना, कोई टफ तो है नहीं।
डिफ्रेंसिएशन जैसा ही है, ठीक है। कुछ तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन हमें किस पार्ट का करना है, यानी t की वैल्यू क्या पुट करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर t हम क्या लेट करें। हम t लेट वो करेंगे जिसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद वो आना चाहिए जो क्वेश्चन में अपने पास है। और वो हमें कैसे पता चलेगा, वो तो हमें डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ही पता चलेगा। तो वैसे ही रफली जब क्वेश्चन चेक करते हैं तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि इसका डिफरेंशिएशन ये है और ये अपने पास क्वेश्चन में, तो उसे हम टी लेट कर लेते हैं। तो ट्राई करना, जितने भी क्वेश्चन हो मुझे बताना कि सर इतने इतने क्वेश्चन अपने हो चुके हैं 9.2 के। आज के लिए केवल इतना ही, समझ में आया हो तो लाइक करना, कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करके बताना, ठीक।